ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की बात ये आसाम के संदर्भ में सामने आई, क्योंकि आपको पता होगा 1971 में जब पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया तो बहुत सारे लोग ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर जाने लग गए, खासतौर से आसाम में और भारत के कई अन्य भागों में। वहाँ से जो आसू नाम का संगठन जीत कर आया, उसके बीच में और राजीव गांधी के बीच में एक समझौता हुआ कि आसाम में जो नागरिकता है उस पर एक हम बंदी लाएंगे और जो घुसपैठी हैं उनको हम रोकने की कोशिश करेंगे। खैर, इसी बीच बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, दावे ख़ास तौर से भाजपा भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी संगठनों ने दावे किए कि बांग्लादेश से 50 लाख लोग आए हुए हैं, करोड़ों लोग भारत में आ रहे हैं, बांग्लादेश छोड़ छोड़ कर ये लोग आ रहे हैं, ऐसे सब दावे किए गए। फिर NCR हुआ, उसमें क्या निकला, ये उसमें ख़ास बात निकली कि केवल 19.5 लाख लोग ऐसे निकले जिनके पास उनकी नागरिकता को सिद्ध करने का प्रमाण नहीं था। और ये 19.5 लाख लोग कौन थे, 19.5 लाख लोगों में आधे के करीब हिंदू थे, बाकी आधे मुसलमान थे। अब जब ये नतीजा सामने आया तो उससे दो बातें स्पष्ट हो गई। पहली बात ये स्पष्ट हो गई कि ये केवल इतने भारत जैसे देश में जहाँ इतना पिछड़ापन है वहाँ पेपर्स के आधार पे नागरिकता तय करना बहुत मुश्किल है। यहाँ आम लोगों के पास जिनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, ये उम्मीद करना कि वो अपने पेपर्स को संभाल के रखेंगे और पेपर्स के आधार पे उनकी नागरिकता तय होगी, ये अपने आप में एक गलत बात है। दूसरी बात जो सामने आई वो ये कि भाजपा जिस प्रकार के डरावने क्लेम्स कर रही थी उसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं थी। उन्होंने कहा 50 लाख लोग आए हैं, 1 करोड़ लोग आए हैं, उनकी संख्या कभी भी वो बढ़ा देते थे, घटा देते थे। आखिर में कितने लोग निकले जिनके पास अपनी नागरिकता को सिद्ध करने के लिए पेपर्स नहीं है, केवल 19.5 लाख। तो मैं कहूँगा इससे हुआ ये खोदा पहाड़ निकला चूहा, उससे ज़्यादा इससे मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आप बताइए ये 19.5 लाख लोगों को क्या आप डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, क्या दूसरे देश में भेजेंगे, क्या बांग्लादेश इनको स्वीकार करेगा, क्या बर्मा इनको स्वीकार करेगा? तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का, कि किसी भी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये एक पहला सवाल आसाम के पूरे जो एक्सरसाइज है उसमें से निकला। और आसाम की जो एक्सरसाइज है उसमें ये बात क्लियर हो गई कि भाजपा जो इस प्रकार के दावे करती थी उसी भाजपा के अंदर लोगों ने इस चीज़ का विरोध करना चालू किया। उसके बावजूद हमारी जो केंद्रीय सरकार है अब उसके पास जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्रूट मेजॉरिटी, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी 303 MPs की है और बाकी बहुत सारे MPs हैं जिनको मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, जो सत्ता के लिए किसी प्रकार का भी समझौता कर सकते हैं। उसके चलते जो ये सरकार है मोदी खास तौर से अमित शाह, ये जो उनके जो मुख्य नेता हैं, उन लोगों ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और उसके साथ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये दो बातें कही। अब ये जो इसके अलग अलग कानून हैं, कोई कानून 1955 में आया, कोई कानून उसके पहले आया, पर मुख्य रूप से बात ये है कि अभी तक जो चलता था वो केवल था जनगणना, सेंसस हर 10 साल में जो होता है उसके लिए एक कानून है और ये जनगणना सालों साल से होती रही है। अब ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वास्तव में देखा जाए तो ये उन लोगों की गणना है जो यहाँ रहते हैं, वो यहाँ के नागरिक हों या ना हों, उनकी एक जनगणना करने की बात पहले भी की गई थी और उस बात को अभी और मजबूत कर दिया गया। उसके गणना में ऐसे मुद्दे डाल दिए गए जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी हो जा सकती है, जैसे लोगों के पिता का नाम, माँ का नाम, उनके सर्टिफिकेट, जन्म तारीख वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हैं जो इसमें बहुत मुश्किल है। और फिर उन्होंने इसमें कट ऑफ डेट डाल दी, उस पर मैं बाद में आऊँगा। तो ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक चीज़ है। दूसरा है नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर जो सिटीजनशिप के बारे में गणना करेगा, और ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में जो बात होगी वो बात होगी जो यहाँ के वैध नागरिक हैं,
अब सरकार ये दावा कर रही है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और सिटीजनशिप रजिस्टर में कोई संबंध नहीं है, पर देखा जाए तो इसके पहले इसी सरकार ने दावे किए हुए हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है ये नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर का पहला भाग है, ये इसकी शुरुआत है। अब इसी के साथ तीसरा एक खतरा आ गया और वो खतरा सबसे महत्वपूर्ण है। वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के रूप में आया और उसमें बाद में राष्ट्रपति ने उसे तुरंत मंजूरी दे दी, लोकसभा में मेजॉरिटी से पारित हुआ। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नेशनल सिटीजनशिप से जोड़ा जाए तो एक खतरा चालू हो जाता है। अब देखने में तो इनका जो CAA ये देखने में तो इनके कहने में ये सकारात्मक बात करता है कि भाई देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान ये मुस्लिम राष्ट्र हैं और यहाँ गैर मुसलमानों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो वो लोग वहाँ से जो छोड़कर आएंगे ये उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। तो उनका दावा जो अपने प्रोपोगेंडा के माध्यम से घर घर जाके जो लीफलेट के माध्यम से कर रहे हैं कि ये नागरिकता छीनने का सवाल नहीं है, ये नागरिकता देने का सवाल है। पर इसमें चालाकी क्या है? चालाकी ये है कि जो भी यहाँ जो रिफ्यूजी आएंगे इनके पीछे एक इनकी विचारधारा चलती है। इनकी विचारधारा क्या है? जो हिंदू यहाँ आएगा वो रिफ्यूजी होगा, वो शरणार्थी होगा, और जो मुसलमान यहाँ आएगा वो घुसपैठिया होगा। और इसीलिए अमित शाह ने पहले कहा था कि ये तो मुसलमान घुसपैठिए ये दीमक हैं और इनको चुन चुन कर बाहर फेंका जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि हमने ये जो कानून लाया है हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहली बात तो जब हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाएंगे उसके आधार पर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप जो बनेगा उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के पास पेपर्स नहीं होंगे। अब पेपर्स नहीं होंगे उसमें गरीब, दलित, आदिवासी, भूमिहीन किसान और ऐसे बहुत सारे तबके रहेंगे जिनके पास पेपर न रहने की संभावना है। कई मुसलमानों के पास भी पेपर्स नहीं होंगे। तो होगा क्या कि जैसे आसाम में हुआ, जो नेशनल जो आसाम में एक्सरसाइज हुई NRC की, उसमें जिनके पास पेपर्स नहीं थे वो हिंदू भी बड़ी संख्या में निकले। तो अब होगा ये कि जितने लोग, जो मेरे ख्याल से उसका अंदाज लगाना मुश्किल है कितने लोगों के पास पेपर्स नहीं होंगे, उसमें से जो मुसलमान हैं उनको छोड़कर बाकी सबको नागरिकता देने का प्रावधान है। तो फिर क्या होगा जो इतने लाखों करोड़ों संख्या में मुसलमान जिनके पास पेपर्स नहीं हैं उनको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए वो प्लान कर रहे हैं कि हम जगह जगह डिटेंशन सेंटर खोलें। और इसी में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आसाम में एक घटना हुई थी जिसमें एक मुस्लिम आर्मी ऑफिसर जिसका नाम मेरे ख्याल से सनाउल्ला था, उसे डिटेंशन कैम्प में भेजा गया। वो व्यक्ति भारतीय सेना में 25 साल से ऊपर सेवा कर चुका है और उसके पेपर्स न होने के कारण उसे इतने हफ्तों तक डिटेंशन सेंटर में डाला गया। खैर, तो उसमें इतने सारे डिटेंशन सेंटर खोलना, इतनी सारी बड़ी एक्सरसाइज करना, इसका क्या तात्पर्य है? प्रधानमंत्री का तो ऐसा कहना है कि इस देश में कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं है और उन्होंने कभी डिटेंशन सेंटर की बात ही नहीं की है और NRC की भी बात नहीं की है। ये तो लोगों को सिर्फ बहलाया और भड़काया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने रामलीला मैदान के स्पीच में कहा कि NRC के बारे में सरकार में कोई चर्चा नहीं हुई, देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, पर इसमें दोनों बातें पूरी पूरी गलत है और सब लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि NRC के बारे में तो लगातार ये सरकार बात करती रही है और डिटेंशन सेंटर आसाम में है, डिटेंशन सेंटर कर्नाटक में बनने की बात हुई, दूसरी जगह भी डिटेंशन सेंटर बनेंगे इसकी बात जगह जगह नई मुंबई में भी। और वही जो आप नई मुंबई बता रहे हैं उसके साथ में जोड़ दूं, जब ये नई सरकार आई है
जिसमें भाजपा सत्ता में नहीं है। तो उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम महाराष्ट्र में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे, यानी इस प्रकार के आदेश केंद्रीय सरकार से आ चुके हैं कि आप अपने राज्यों में डिटेंशन सेंटर बनाने की शुरुआत कीजिए। तो ये खैर मोदी जी जो बोल रहे हैं उनका तरीका है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए वो अपने भाषणों में जो कहते हैं और जो सच्चाई है उसमें ज़्यादा मेल नहीं होता। क्या देश के पास और कोई काम नहीं रह गया है? देश के सामने और कोई समस्याएँ नहीं हैं? और यहाँ मैं ये भी आपको बता दूँ कि यूनाइटेड नेशंस के ऑलरेडी एक कुछ नियम हैं जिसके आधार पे लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। जो भी लोग धर्म के कारण दूसरे देशों में प्रताड़ित होते हैं उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। अब ये जो तीन देशों को इन्होंने सिंगल आउट किया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वास्तव में 1917 के जो आंकड़े हैं यूनाइटेड नेशंस के वो बताते हैं कि भारत में आने वाले शरणार्थियों की संख्या पहले से 17% बढ़ गई है। पर ये शरणार्थी कौन है? ये शरणार्थी जो भारत में आए हैं वो श्रीलंका से हैं और वो तिब्बत से हैं। तो सवाल है कि जो वास्तविक समस्या है, जो जिस प्रकार से इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये उस प्रकार का सवाल नहीं है। यहाँ के मुसलमानों पर जो एक प्रताड़ना चल रही है उसी प्रताड़ना को एक चालाक रूप में सामने रखने की कोशिश है। 130 करोड़ के देश में आप ये एक्सरसाइज करेंगे, हज़ारों करोड़ खर्चा होगा और उसमें करोड़ों लोगों के पास निश्चित रूप से पेपर्स नहीं होंगे। तो क्या हम इतने लोगों को डिटेंशन सेंटर में डालेंगे? क्या उसमें मुसलमान उन डिटेंशन सेंटर में डाल के बाद में हिंदुओं को, जैन, बुद्ध, सिख को, क्रिश्चियंस को नागरिकता देकर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में रखेंगे? ये एक सवाल है। और यहीं से समाज में जो बंटवारे की प्रक्रिया है, मुसलमानों को अलग करने की जो प्रक्रिया है, मुसलमानों को साथ जो भेदभाव करने की प्रक्रिया है, उसकी एक नींव डालने की कोशिश है।